दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आपकी हेयर टाइप कौन सी है, कितने टाइप्स के हेयर होते हैं, आपको कितने अमाउंट में अपने हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या आपको पता है कि हेयर क्ले, हेयर वैक्स, हेयर जेल, हेयर स्प्रे, हेयर पेस्ट और पोमाड, इन सभी में से सबसे बेस्ट हेयर प्रोडक्ट्स कौन सा है? क्या आप अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग अपने हेयर प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो? क्योंकि गलत हेयर प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से आपको हेयर प्रॉब्लम्स जैसे कि ड्राई हेयर और फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ये प्रॉब्लम्स आपको हेयर थिनिंग और हेयर लॉस तक भी ले जा सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉमन क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आपको कितने अमाउंट में अपने बालों पे हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी हेयर टाइप कौन सी है, आप अपने हेयर टाइप को कैसे पहचान सकते हो, कौन कौन सी हेयर टाइप्स होती हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे दुनिया के 6 सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि हेयर वैक्स, क्ले, जेल, पोमाड, हेयर स्प्रे और हेयर पेस्ट के बारे में, और इनके यूजेस के बारे में भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग इन सभी में से कौन सा हेयर प्रोडक्ट बेस्ट है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें, ताकि आप ऐसे ही फैशन रिलेटेड वीडियो, फिटनेस रिलेटेड वीडियो एंड ऑफ कोर्स हेयर रिलेटेड वीडियो कभी भी मिस ना करें। तो चलिए अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो क्या हाल है आप लोगों का, मेरा नाम है अमर। तो आज का ये वीडियो का शुरुआत हेयर टाइप से होगा कि इतने टाइप के हेयर होते हैं। तो हेयर 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हेयर टाइप इस नॉर्मल हेयर टाइप और स्ट्रेट हेयर टाइप। इस हेयर टाइप में आपको ज्यादातर हेयर स्टैंड नॉर्मल कंडीशन में मिलेंगे, पूरे के पूरे स्ट्रेट मिलेंगे। सेकेंड हेयर टाइप इस कर्ली हेयर टाइप। इस हेयर टाइप के ज्यादातर बालों में आपको मुरेलापन देखने को मिल सकता है, ज्यादातर बालों में आपको कर्ल जरूर देखने को मिलेगा। थर्ड हेयर टाइप इस वेवी हेयर टाइप। इस हेयर टाइप को नॉर्मल हेयर टाइप और कर्ली हेयर टाइप के बीच में रखा गया है, क्योंकि इस हेयर टाइप के ज्यादातर हेयर स्टैंड नॉर्मल हेयर टाइप की तरह होते हैं, बट उनमें थोड़ा सा कर्ल आ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेवी हेयर टाइप। एंड फोर्थ हेयर टाइप इज क्वाली हेयर टाइप। कुछ इस तरह के बालों को क्वाली हेयर टाइप के अंतर्गत रखा गया है। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपने हेयर टाइप को बहुत आसानी से पता कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज कि आपको अपने बालों पर कितने अमाउंट में हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका आंसर पाने के लिए आपको अपने बालों के 2 चीजों को देखना होगा। फर्स्ट इज योर हेयर लेंथ एंड सेकेंड इज योर हेयर थिकनेस। अगर आपके हेयर की लेंथ शॉर्ट हेयर लेंथ से लेकर मीडियम हेयर लेंथ तक ही है, तो फिर आपको पी साइज अमाउंट में अपने हेयर प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। मतलब मटर के दाने के बराबर आपको अपने हेयर प्रोडक्ट, जैसे कि कोई भी हेयर प्रोडक्ट, जैसे कि आप क्ले का यूज कर रहे हो या जेल का यूज कर रहे हो या फिर वैक्स का यूज कर रहे हो, तो इस सबको पी साइज के अमाउंट में यूज करना चाहिए। और अगर आपके बालों की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है, आपके बाल बहुत ज्यादा थिक है और घने हैं, तो फिर अब आपको डिसाइड करना होगा कि मेरे बालों के लिए कितना ज्यादा हेयर प्रोडक्ट सफिशियंट है, और फिर अपने हेयर प्रोडक्ट्स के अमाउंट को सेलेक्ट कर फिक्स कर लें। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो के सबसे मेन पार्ट की तरफ, सबसे मेन हिस्से की तरफ, कि दुनिया के 6 सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले हेयर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, इनकी खासियत क्या क्या है, इनके यूजेस क्या क्या है, ये कैसे शाइन देते हैं, इनका होल्ड कैसा है, ये कौन कौन से हेयर टाइप के लिए बने हुए हैं। तो आइए बात करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट हेयर प्रोडक्ट, दैट इज हेयर क्ले। तो अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए, तो जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसका की इंग्रेडिएंट क्ले है, और ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज वाटर बेस्ड हेयर क्ले एंड सेकेंड वन इज ऑयल बेस्ड हेयर क्ले। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हेयर क्ले के यूजेस और फंक्शन के बारे में। तो हेयर क्ले का काम आपके शॉर्ट से मीडियम लेंथ वाले हेयर को वॉल्यूम और टेक्सचर प्रदान करना है, और एक हेयर क्ले का होल्ड काइंड ऑफ मीडियम ही रहता है, और ये आपके बालों को मैट फिनिश देता है। आप एक हेयर क्ले को हेयर जेल और हेयर पेस्ट के बीच वाला हेयर प्रोडक्ट कह सकते हो, क्योंकि ये आपके बालों को एक अच्छा खासा होल्ड देता है जेल की तरह, बट ये आपके बालों को कोई शाइन नहीं देता है एक पेस्ट की तरह। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे हेयर प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज हेयर वैक्स। हेयर वैक्स एज द नेम सजेस्ट, इसका मेन इंग्रेडिएंट वैक्स है, और ये मेनली वेवी हेयर टाइप और स्ट्रेट हेयर टाइप के लोगों के लिए बेस्ट होती है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर आपकी बाल पतली है, और इन अदर वर्ड्स इफ योर हेयर इज थिन, तो प्लीज आप हेयर वैक्स का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बाल और भी ज्यादा पतली हो सकती है। और बात की जाए इसकी होल्ड और शाइन के बारे में, तो होल्ड इसका मीडियम है और शाइन मीडियम और हाई के बीच का है। थर्ड हेयर प्रोडक्ट इज पोमाड। पोमाड एक वैक्सी, ग्रीसी और वाटर बेस्ड मेंस हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है, जो आपके बालों को शाइनी और स्लीक अपीयरेंस देता है। ये भी वेवी और स्ट्रेट हेयर टाइप के लोगों के लिए ठीक रहते हैं, एंड स्पेशली इफ योर हेयर इज थिक। और बात की जाए इसके होल्ड के बारे में, तो इसका होल्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लंबे समय तक रहता है।
आप इस बात से समझ सकते हो, जो अगर आपको इसे अपने बालों से पूरे अच्छे तरीके से हटाना है तो आपको अपने बालों का 2-3 बार वॉश करना होगा, तभी यह पूरे अच्छे तरीके से हटेगी। और बात की जाए इसके शाइन के बारे में, तो ये आपके बालों को वेट टाइप हाई शाइन लुक देता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेयर प्रोडक्ट इज हेयर जेल। हेयर जेल बेसिकली एक मेंस हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है जो आपके बालों को एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल में फ्रीज कर रखता है। अगर आपके हेयर टाइप कर्ली या फिर कॉयली है तो आप बेझिझक एक हेयर जेल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये आपके कर्ल को एक पर्टिकुलर जगह पर स्थिर रखता है। फिफ्थ हेयर प्रोडक्ट इज हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे एक बहुत ही कॉमन हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है जिसे आप अपने बालों पर स्प्रे कर सकते हो टू प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम विंड एंड ह्यूमिडिटी। इसे कोई भी हेयर टाइप के बंदे यूज कर सकते हैं। इसका होल्ड बहुत ही लाइट होता है और साइन भी लो ही होता है, बट साइन अलग अलग कंपनियों पर वैरी करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ हेयर प्रोडक्ट इज हेयर पेस्ट। हेयर पेस्ट आपके बालों के टेक्स्चर और होल्ड में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इसे कोई भी हेयर टाइप के बंदे यूज कर सकते हैं। इसका होल्ड मीडियम के आसपास रहता है और शाइन भी मीडियम के आसपास ही रहती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, ताकि आप ऐसी फैशन रिलेटेड वीडियो, फिटनेस रिलेटेड वीडियो, ग्रूमिंग रिलेटेड वीडियो एंड ऑफकोर्स हेयर रिलेटेड वीडियो कभी भी मिस ना करें।